तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द कार्ड फैब्रिक, है ना। यस्टरडे आई विल डिस्कस अबाउट द ज्वेलरी, ठीक है। तो इन द कार्ड फैब्रिक इट इज इक्वल फोर्स कार्ड फैब्रिक क्या होता है कि आपके जो पोलो वगैरह गेम खेलते हैं तो उनके ऊपर जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं जो पैंट अपना पहनते हैं, है ना, वो आपका तो पोलो वगैरह के अंदर उनके जो पैंट होती है वो सब आपके कार्ड की बनी, ठीक है। ये दो टाइप का, ये कपड़ा मैंने आपको दिखाया था, इसके अंदर क्या हो जाता है कि कार्ड के अंदर कपड़े के ऊपर आपका लॉन्गिट्यूडनल कार्ड आपके बनते हैं, है ना, या आपके कार्ड है। और ये जो अगर आप देखोगे तो कार्ड का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप के होता है, इसके अंदर ये आपका जो कार्ड होता है ना, तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि दो टाइप के एंड होते हैं, एक होता है आपका कटिंग जिसके अंदर हमारी प्लेइंग वी होती है, और दूसरा होता है आपका बॉडी, बॉडी के अंदर दो टाइप के एंड होते हैं, एक होता है आपका प्लेइंग फेस और दूसरा होता है आपका फिल फेस। जो प्लेन फेस होता है उसका इसको बोलते हैं आपका प्लेन फेस डीएफसी, है ना, इसको बोलते हैं आपका स्ट्रेटफॉरवर्ड कार्ड, या शार्ट फेस को बोलते हैं आपका डीएफसी स्ट्रेटफॉरवर्ड कार्ड। तो ये स्ट्रेटफॉरवर्ड कार्ड आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका प्लेन फेस डीएफसी, दूसरा होता है आपका फेस है ना। और दोनों टाइप, फिर अगर ये ज्यादातर आपके जो है ये कार्ड आपके, मैं आपको फैब्रिक दिखा रहा हूँ, है ना, अगर इसको ध्यान से देखें, है ना, तो इसके ऊपर आप देखें तो ये भी बनी हुई है और ये देखिए आपका कार्ड है, इसके ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ ये आपके कार्ड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, और ये आपकी वीब है, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये लॉन्गिट्यूडनल कार्ड होते हैं, सिंपल कार्ड होते हैं, है ना, और ये आप देख लें, ठीक है ना, कार्ड ये आपका कार्ड होते हैं लॉन्गिट्यूडनल, है ना, और इनके बीच में देखिए आपके दो कटिंग एंड है, ये कहलाते है ना, और फिर बॉडी इंड है। अब मैं आपको भी बताने जा रहा हूं, है ना, ज्यादातर इनका यूज होता है पोलो वगैरह के अंदर, पोलो ट्राउजर हार्ट वगैरह पे पहन के खेलते हैं, तो उस गेम के अंदर इनके जो ट्राउजर्स होते हैं वो इसी के बने हुए होते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी हम क्या करते हैं इसके अंदर वेडिंग, और इसका यूज आपका बास्केट में बहुत होता है, वूलन और बास्केट जो होता है, बास्केट के अंदर हमारा थर्मल कंफर्ट या आपका ज्यादा होना चाहिए। थर्मल कंफर्ट का मतलब ये हो जाता है कि कपड़े के अंदर जब आप पहनते हैं विंटर में, तो कपड़ा जितना ज्यादा मोटा होगा तो उतना ज्यादा आपको गर्मी देगा, और वूलन का बना होता है, वेट आपका ज्यादा होता है, तो इस वजह से आपको वार्म फील होती है। जैसे आप विंटर जर्मनी फ्रांस वहां जाए तो वहां आपका जाड़े का टेम्परेचर रूस वगैरह के अंदर -30 हो जाता है, तो हमारा जो ट्राउजर्स होता है ये मस्ट बी वेरी थिक,
तो हम क्या करते हैं, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये आपका पोलो वगैरह, वुलन, वस्टेड है ना, इनके अंदर ज्यादातर ये कार्ड आपका यूज किया जाता है। और बेसिकली ये फास्ट कॉर्ड रहा है, ये एक होता कॉर्ड रहा है ना, कॉर्ड रहा है आपने देखा होगा, जिसके अंदर कार्ड आपके निकले होते हैं, ठीक है ना। तो इट इज कार्ड आल्सो इज अ फास्ट कॉर्ड रहा है। फास्ट कॉर्ड है ना, और इसी को हम बोलते हैं फास्ट कॉर्ड, क्योंकि कॉर्ड तो हमारा अलग होता है। मार्केट में अगर आपको मालूम नहीं है तो ये कपड़ा आपको कॉर्ड की जगह दे देगा, है ना। कॉर्ड के अंदर क्या हो जाता है कि कॉर्ड में कॉर्ड के अंदर ये फ्लैट पाइप होता है, और जो पाइप जो आपका प्लान बनता है वो हॉरिजॉन्टल बनता है। ये गेट वगैरह के अंदर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, और अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ये आपका सेमी सर्किल होता है। इसका अगर क्रॉस सेक्शन देंगे ये आपका फाइबर होता है, ट्रफ होता है आपका, है ना। और इन्हीं यही ट्रफ आपके इन्हीं के द्वारा आपका कार्ड बनता है, ठीक है ना। ये एक लाइन के अंदर सेमी सर्किल। कभी आप कॉर्नर को आप देखेंगे, कल मैं आपको दिखा दूंगा फास्ट कॉर्नर, ये आपके कोर्स में भी है। तो जब हम इसको बनाते हैं तो दुकानदार क्या करता है कि आपका कॉर्डराई महंगी होती है तो उसकी जगह पर ये पेट्रोल कार्ड आपको दे देता है, समझे नहीं। तो आपको क्या करना है कि इनका ये यूज होता है ना, और उलन में या उसके अंदर ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपका वाडेड पेट्रोल कार्ड एक होता है, वाडेड पीएफसी, तो वाडेड के अंदर हम क्या करते हैं, कपड़े के अंदर जैसे आपका लाइक्रा पड़ता है तो वैसे ही कपड़े हम क्या करते हैं, वो तो तागे के अंदर लाइक्रा पड़ता है, यहाँ कपड़े के अंदर हम वेडिंग डाल देते हैं, तो उससे कपड़े का वेट काफी ज्यादा हो जाता है, फोर्स का आउट होता है, वो दिखता भी नहीं है आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले है ना, तो इस वजह से कपड़े का वेट बढ़ जाता है, और कपड़े की जो कास्ट होती है वो वेट के हिसाब से होती है। जैसे मार्केट के अंदर आप बीवी का कपड़ा लेने जाए, एक आपका 250 ग्राम मिलेगा, एक आपका 400 ग्राम की क्वालिटी है, तो जो 400 ग्राम की क्वालिटी है उसके अंदर तागा ज्यादा लगे, यार्न विल बी मोर, क्लियर। देन व्हाट हैपेंड, द कॉस्ट ऑफ द फैब्रिक विल बी मोर। और यहाँ पर क्या हो जाता है, अभी मैं आई विल टेल यू कि बीएफसी के अंदर हम वेडिंग में इंटीरियर क्वालिटी का यार्न जो कहीं आपका चलता नहीं इंडस्ट्री के अंदर, वो तागे को हम डिजाइनिंग के अंदर यूज कर लेते हैं और उसका हम यूज कर देते हैं। अब हम आते हैं आपका इसकी डिजाइन के ऊपर, ठीक तो ये होता है आपका प्लेन फेस पूरा नाम होता है, प्लेन फेस बेडफोर्ड कार्ड। तो शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं आपका प्लेन बीएफसी। तो आपको गेट वगैरह के अंदर ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, प्लेन बीएफसी। तो इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब हो जाता है ये कार्ड है आपका। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके गेट में आते हैं ऐसे, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो इंड होते हैं हमारे, है ना, तो जो इंड होते हैं दे आर टू टाइप, एक होता है आपका कटिंग इंड, जिसके अंदर आप प्लेन भी यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा बॉडी इंड, जिसके अंदर आप प्लेन भी है ना, रिब वगैरह हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं आपका, ठीक
सिंगल का तो स्मॉलेस्ट रिपीट है ना, देख द स्मॉलेस्ट रिपीट वी हैव द 6 × 4 क्या बराबर 6 एंड क्या बराबर 4 नाउ द क्या विल बी 2 वो आपका 2 कटेंगे प्लस 4 आपके बॉडी तो हमारे 2 ही हो गए ये आपका देखे तो इसके ऊपर यार की कार्ड बन रही है।
सकती है ना। और ये कार लॉन्गिट्यूडनल है और इसको बैक साइड से आप देखेंगे तो ये अलग है पूरा। इस तरीके से हम कार को पहचानते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर्स है और आप टेक्सटाइल इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो आपको हर कपड़े की पहचान होनी चाहिए। अगर आप मार्केट में जाते हैं कपड़ा नहीं पहचान पाते हैं, मान लीजिए आप कपड़े के आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, जैसे डॉक्टर होता है उसके बाद मरीज आता है बीमारी नहीं पहचान पाता है, खांसी की मतलब कैंसर की बीमारी है और खांसी की दवा दे देता है तो मरीज अपने आप मर जाएगा, है ना। तो डॉक्टर को ये पहचानना चाहिए कि आपका जो टेक्सटाइल इंजीनियर है कपड़े की पहचान आपको होनी चाहिए। टू प्लेन सर्टेन आपके डिफेंस के जो इंटरव्यू होते हैं अभी सिल्क बोर्ड वगैरह के अंदर, वो आपके सामने 10 टाइप के कपड़े रख देंगे, वो आपसे कहेंगे कपड़ा पहचान करके दो। फर्स्ट राउंड के अंदर वो यही कराते राउंड के अंदर, है ना। तो ये कपड़े आपको वो दे देंगे, ठीक है। और आज मैंने आपको दिखाया ये जो है आपका बेडफोर्ड कार्ड है और ये कपड़ा आपका जो है ये आपका ट्विल है। देखिए इसके अंदर आपकी ये ट्विल लाइन दिख रही है तो दोनों में अंतर आपको पता लग गया, कलर एक ही है ना। और इसके अंदर ये डायगोनल लाइंस आपको दिख रही, आप इलाज करके वीडियो को देख लीजिएगा तो ये ट्विल लाइन आपको दिखेगी, है ना। तो बेसिक कपड़े की पहचान आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको जैसे आपके गेट स्कोर के अंदर करीब 10 टाइप की वीप्स हैं, तो अभी मैंने आपको 2 टाइप की वीप पढ़ा दी, ट्विल और बेडफोर्ड कार, है ना। और आप अब मैं ये जो होता आपका ये कहलाता आपका वेल्ट एंड पीके, ये कपड़ा आप देख रहे हैं तो इसके अंदर 2 टाइप का इंट होता है, एक हाई टेंशन पर एक आपका लो टेंशन पर। तो हाई टेंशन का ये नीचे की तरफ है ना, और आपका तो ये कार्बोरेटेड स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है ना। और ऐसे ही आपको मैं दिखा दूं अभी मैं पढ़ाऊंगा, ये जो है आपका क्रेप फैब्रिक है, क्रेप, इसको आप टच करके हाथ से तो बड़ा रफ आपका दिखेगा, ठीक है। या तो जिसको देखो कपड़ा कितना रफ दिख रहा है ना, तो इसको जब आप टच करोगे तो ये रफ आपको दिखेगा। जो दुकान पर आप जाइए और कपड़े को हाथ से टच करिए, अगर इसके अंदर जो प्रोसेसिंग होती है तो हम कैलेंडरिंग प्रोसेस नहीं करते हैं, कहीं आप प्रोसेस के अंदर हैं ना टेक्सटाइल केमिस्ट, और अगर ये क्रेप कपड़ा आ गया और आपने कहीं कैलेंडरिंग कर दी तो वो कपड़े की जगह साटिन बन जाएगा, हो सकता है आपको नौकरी से भी निकाल दिया जाए, है ना। प्रोसेस के अंदर है वहाँ पर भी कपड़ा आपको पहचानना आना चाहिए। अगर कपड़ा पहचान नहीं पाते हैं, है ना, क्रेप कपड़ा आया और जैसे हर कपड़े के अंदर कैलेंडरिंग करते हैं चमक लाने के लिए, है ना, तो वो फैब्रिक को हम हीट रोलर्स के बीच में पास करते हैं, ठीक है। और ये कपड़ा आपका टॉवलिंग वीव है, इसको बोलते हैं आपका हक्का बैग, इसके अंदर लॉन्ग फ्लोट्स हैं, ठीक है ना। ये सब आपके गेट के अंदर पूछे जाते हैं आपसे, हक्का बैग, हनी को मॉकलिनो, है ना। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी मैं कराऊंगा। तो ये मैंने आपको थोड़े कपड़े बता दिए, अब हम फिर आते हैं आपके ये कार्ड के ऊपर, ठीक है ना। और इसके ऊपर इसका ड्राफ्ट कैसे बनेगा, आपकी
दिया होगा और इसकी बच्ची और आपका इसकी बच्ची दोनों सेम है। आपके कटी पिन है ये दो तीन चार आप
आपने ट्रेन भी कर दिया, ठीक है ना, और क्या आपके बॉडी ने, तो यहाँ पर क्या जाएगा, और फिर आपको ब्रेक पर देंगे इसके कारण इसका आपको प्रोसेसर कराना है, तो कितने ही में आपके कपड़ा मैंने दिखा दिया, ओके।